He told me he is earning more than 100K working from home on his side hustle only. ये सारी लिस्ट में से ऐसी जॉब है जिसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई छोटी मोटी ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सी रिसर्च की थी बट मैंने एंटर नहीं किया था क्योंकि मुझे मजा नहीं आया था इस फील्ड में। हे एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कैनेडा। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है वर्क फ्रॉम होम जॉब्स इन कैनेडा। अगर आप कैनेडा में वर्क फ्रॉम होम जॉब्स ढूंढ रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए है। चाहे आप फुल टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं, चाहे आप ऑलरेडी वर्किंग हैं और आप सोच रहे हैं कि यार मुझे कोई सेकंड इनकम जनरेट करनी चाहिए, क्या मैं घर से कोई ऐसा काम स्टार्ट कर सकता हूं जिससे मैं अच्छी खासी अर्निंग कर पाऊं, ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इसमें हम सारी ऑप्शंस डिस्कस करने वाले हैं, मोस्टली फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं ये चीजें कर चुकी हूँ या फिर कर रही हूँ। 3-4 साल से मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हूँ, उसके अलावा मेरी कुछ साइड हसल्स भी है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ये जॉब्स कर रहे हैं, तो कोशिश यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क फ्रॉम होम जॉब्स इन कनाडा, वो कौन सी हाई पेइंग स्किल्स हैं और कितना आप अर्न कर सकते हैं, कहाँ से आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। और कुछ जॉब्स में तो आपको सीखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जाके आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। सो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, फ्रॉम अर्निंग टिल स्किल्स, एवरीथिंग। सो चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली जॉब है सोशल मीडिया मैनेजर। इस जॉब में आप $15 पर आवर से लेके $300 पर आवर्स या इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। इस जॉब के लिए आपको ना तो कोई डिग्री चाहिए, आप अपनी खुद की सेल्फ स्टडी करके आप ये जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ बेसिकली सोशल मीडिया मैनेजर होता क्या है। आपको पता है कि हर बिजनेस का अपना सोशल मीडिया अकाउंट होता है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करने का काम सोशल मीडिया मैनेजर का होता है। सो आपको ये नहीं कि आपको सिर्फ एक ही अकाउंट हैंडल करना है उस बिजनेस का, जिस भी ब्रांड के साथ आप काम कर रहे हैं, आप मल्टीपल अकाउंट भी हैंडल कर सकते हैं, उसके बिहाफ पे आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजर बनने के लिए आप खुद से स्टार्ट कर सकते हैं, आप सिंपल फ्री कोर्सेज कर सकते हैं, बहुत सी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, कोर्सेरा पे आप कोर्स कर सकते हैं, हबस्पॉट पे कर सकते हैं, यूडमी पे कर सकते हैं। कोर्स करने के बाद आप अपनी जो सर्विस है वो लिस्ट कर सकते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, जहाँ से जो ब्रांड्स हैं डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर बजट। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आप छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, $20-25 एन आवर, डिपेंड करता है कि आपके पास कौन कौन से स्किल्स और टैलेंट है, और बेस्ड ऑन द टैलेंट आप अपने सर्विसेज चार्ज करेंगे। लोग अपवर्क पे जाके अपना, अपवर्क एक वेबसाइट है जहाँ पे जो सोशल मीडिया मैनेजर्स या कोई भी सर्विस आप देना चाहते हैं आप वहाँ पे लिस्ट करते हैं और ब्रांड आपको कॉन्टैक्ट करते हैं। अपवर्क पे आप देखेंगे कि आपको $15 एन आवर से लेके $50 पर आवर से $250 पर आवर वाले सोशल मीडिया मैनेजर्स भी मिल जाएंगे जो इतना चार्ज करते हैं। मेरे एक फ्रेंड है, वो टेलिस में जॉब करते हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, लेकिन वो साइड हसल जो अपनी है वो एज अ सोशल मीडिया मैनेजर करते हैं। ही टोल्ड मी ही इज अर्निंग मोर देन 100K वर्किंग फ्रॉम होम ऑन हिज साइड हसल ओनली। मतलब सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है और धीरे धीरे आप ग्रो ही करते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आपको लोगों के साथ बात करना पसंद है, सोशल मीडिया यूज करना अच्छा लगता है, आप टेक्नोलॉजी सेवी है, then definitely you should consider this option. The next is web developer. As a web developer आप अच्छी खासी earning कर लेते हैं, आप full time भी join कर सकते हैं किसी company में as a web developer और उसमें आप $100 प्लस कमा सकते हैं। $50 से स्टार्टिंग हो जाती है ऑन एन एवरेज, और $100 या इससे ऊपर तक आप पर आवर अर्न कर सकते हैं एज अ वेब डेवलपर। आप फ्रीलांसर भी बन सकते हैं और अपने हिसाब से आप अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली भी एज अ वेब डेवलपर काम कर सकते हैं। अपनी जो सर्विसेज हैं वो आप अपवर्क पे लिस्ट कर सकते हैं। एज अ वेब डेवलपर आपको वेबसाइट बनानी होती है ब्रांड की, आपको पता है कि हर चीज़ आजकल वेबसाइट से होती है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो आपको वेबसाइट पे जाना है, फूड ऑर्डर करना है तब आपको वेबसाइट पे जाना है, तो एक वेब डेवलपर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है किसी भी ब्रांड के लिए। इसके अलावा दूसरी जो फील्ड है वो भी मुझे बहुत पसंद है, वो है UI/UX डेवलपमेंट। ये भी IT की ही फील्ड है जिसमें बहुत अच्छी सैलरी है, जो आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम जॉब। जो लोग IT में शिफ्ट होना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। अगर आप स्क्रैच से भी स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपको नहीं पता IT की ABC भी नहीं पता, तो भी आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वो मैं आपको बताती हूँ कि ट्रेनिंग आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है अगर आप IT में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इन फील्ड्स में, आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली UI/UX डिज़ाइनर, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर जिसको हम बोलते हैं, ये क्लोजली काम करते हैं वेब डेवलपर के साथ। दोनों फील्ड्स में आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको स्किल्स चाहिए, लेकिन कोई भी ये स्टार्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपको IT में डिग्री होनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे। जब ट्रेनिंग की बात आती है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कोडिंग इन्वेडर्स। कोडिंग इन्वेडर्स का जो कोर्स है, स्क्रैच टू एम्प्लॉयमेंट IT का जो कोर्स है, कोई भी कर सकता है। अगर आपको नहीं पता है कि आपको IT की कौन सी फील्ड में जाना है, वर्क फ्रॉम होम वेब डेवलपर बनना है, UI UX डिज़ाइनर बनना है, तो आप इनका ये कोर्स कर सकते हैं। ये 9 मंथ्स का कोर्स है। इसमें फर्स्ट 6 वीक्स आपको हाई पेइंग फील्ड्स के बारे में बताया जाएगा। आप देखेंगे कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं। आफ्टर 6 वीक आप बाकी के 8 महीने उस फील्ड के एक्सपर्ट बनेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसमें आपको मनी बैक गारंटी दी जाती है। सो ये जो आप कोर्स करेंगे, पहले आपके साथ एग्रीमेंट साइन किया जाएगा कि येस यू विल गेट द जॉब 100% जॉब गारंटी आपको मिलेगी। सो आपको इस कोर्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं ST20 टू गेट 20% ऑफ ऑन दिस कोर्स। द नेक्स्ट जॉब इज डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। एज अ डिजिटल मार्केटर आप बहुत अच्छा अर्न करते हैं। आप $20 से लेके अप टू $200 पर आवर अर्न कर सकते हैं, और इसमें भी आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप मीडियम ट्रेनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया मार्केटर होता क्या है? डिजिटल मार्केटिंग में आप ब्रांड की जो वेबसाइट है उस तक ट्रैफिक लाने का काम करते हैं थ्रू फेसबुक एड कैंपेन्स, या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके आप ब्रांड की वेबसाइट को ऊपर रैंक करने की कोशिश करते हैं गूगल में, कि सर्च रिजल्ट में वो ऊपर आए। और इसमें भी आप मीडियम ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको बोला, फ्री कोर्सेज से स्टार्ट कर सकते हैं। Udemy पे, कोर्सेरा पे आप कोर्सेज कर सकते हैं, इस चीज को समझ सकते हैं कि कैसे करना है। और आप अपनी जो सर्विस है वो क्लाइंट ढूंढने के लिए आप अपवर्क पे जाके सर्विस लिस्ट कर सकते हैं। अपवर्क पे आप देखेंगे कि जो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं वो 200 या इससे भी ज्यादा पर आवर चार्ज कर रहे हैं, बट मिनिमम आप $20 से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जो सर्विसेज हैं यहाँ पे। सो अगर आपको आउटरीच करना अच्छा लगता है और आप गुड एट सेल्स हैं, देन यू शुड डेफिनेटली कंसीडर। द नेक्स्ट इज वेबसाइट और ऐप टेस्टर। ये एक ऐसी फील्ड है, इसमें ना तो आपको कोई डिग्री की जरूरत है, ना ही आपको किसी ट्रेनिंग की जरूरत है। इसमें आपको कोई ट्रेनिंग भी नहीं करनी है और आप सीधा अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। $10 से लेके $60 पर आवर तो आराम से अर्न कर सकते हैं एज अ वेबसाइट और ऐप टेस्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि सैंडी ये तो लगता है कि शायद कोई IT की फील्ड है, इसमें वेबसाइट टेस्टिंग करनी होगी। ऐसा नहीं है, आपको एज अ यूजर टेस्ट करना है। सो अगर आपको फोन पे एप्स यूज करना अच्छा लगता है, अगर आपको वेबसाइट पे सर्व करना अच्छा लगता है, तो आप एज अ वेबसाइट टेस्टर भी वर्क फ्रॉम होम जॉब कर सकते हैं आराम से। जब आपको टाइम मिले, आप मैं कुछ वेबसाइट्स आपको बताऊंगी, वहां पे जाके आप रजिस्टर करके वेबसाइट्स टेस्ट कर सकते हैं एज अ यूजर। नाउ यू हैव टू गो टू दिस वेबसाइट usertesting.com। सो आपको यहाँ पे क्लिक करना है गेट पेड टू टेस्ट। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि द अल्टीमेट साइड हसल गेट पेड टू शेयर योर पर्सपेक्टिव, इट्स दैट सिंपल। सो यूजर टेस्टिंग वेबसाइट के अलावा ट्राई माई UI वेबसाइट है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये दोनों जो वेबसाइट्स हैं ये रिलायबल हैं, यहाँ पे आप ये जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज ऑनलाइन सर्वे टेकर। ये सारी लिस्ट में से ऐसी जॉब है जिसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई छोटी मोटी ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है। आप सीधा सर्वे लेके अपना अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली ये ऐसी जॉब नहीं है जिसमें आप $200 पर आवर कमा लेंगे या $50 पर आवर कमा लेंगे, लेकिन आप काउच पे बैठे बैठे रिलैक्स होते होते आप $1 से लेके $5 तक पर सर्वे कमा सकते हैं। आपको खास ध्यान ये रखना है कि सारे सर्वे रिलायबल भी नहीं होते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो फ्रॉड है, वो कहती है कि आपको हमें पे करना है इन ऑर्डर टू गिव यू सर्वे, राइट? सो यू डोंट हैव टू पे। आप किसी को पे नहीं करेंगे कि हमें सर्वे दो, हम सर्वे करके देते हैं। ऑलवेज कंपनी पेज यू टू डू द सर्वे। और कुछ कंपनी सेंट्स पे करती हैं, कुछ कंपनीज डॉलर्स तक पे कर देती हैं। सो ये आपको देखना है कि आप कहाँ पे अपना टाइम देना चाहते हैं, कौन सी चीजें आपको अच्छी लगती हैं करनी, आप वो वाला सर्वे कर सकते हैं। सो जो वेबसाइट्स मैंने खुद यूज की हैं वो है Swagbucks और सर्वे जंकी। अगर आपके पास टाइम है, आप काउच पे बैठे बैठे पैसे अर्न करना चाहते हैं, नॉट टू मच बट हाँ थोड़े बहुत भी अगर बन जाए सिंपल क्वेश्चन को आंसर करने के, देन आई वुड रिकमेंड यू दिस। द नेक्स्ट इज यूट्यूबर या फिर कंटेंट राइटर या फिर ब्लॉगर। ये तीनों एक ही कैटेगरी में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड है आपस में। यूट्यूबर में एज अ यूट्यूबर आप अपनी वीडियोस क्रिएट करेंगे, जो भी आपको नॉलेज है आप ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं, तो आप यूट्यूब वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं है एज अ यूट्यूब पर, बट हाँ अगर बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स की बात करें तो वो बहुत अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन आप तो छोटे से स्टार्ट करेंगे, तो इसमें आप एकदम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं इतना अर्न करना स्टार्ट कर दूं। पहला आपका फोकस होना चाहिए ऑडियंस को हेल्प करना। आप उस फोकस उससे जाएंगे तो आपकी ऑडियंस ग्रो होगी, तो आप अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। और इसमें आप $1 से लेके $2-3 पर 1000 व्यूज अर्न कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी ऑडियंस कहाँ पे है। इसके अलावा अगर आप YouTube वीडियो में फ्रंट फेस नहीं आना चाहते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें जो आप और कर सकते हैं जो आपको एक अच्छी अर्निंग भी दे सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल थंबनेल क्रिएट करना, वीडियो एडिटिंग करना, उसमें अच्छा खासा पैसा है। और ब्लॉग लिखना, उसमें आपको वीडियो नहीं बनानी होती, उसमें आप लिखते हैं अपने एक्सपीरियंस। तो एज अ ब्लॉगर आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करना, एक्सपीरियंस शेयर करना, वो स्टार्ट कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, अगर आपको ऑब्वियसली वीडियो में नहीं आना लेकिन आप लिख बहुत अच्छा लेते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करनी, कंटेंट राइटिंग करनी, उसमें भी अगर कंटेंट राइटर एज अ कंटेंट राइटर आप अगर अच्छे ब्रांड के साथ काम करते हैं तो $100 पर आर्टिकल तक चार्ज करते हैं कंटेंट राइटर। डिपेंड करता है कि इस ब्रांड के साथ काम करें, लेकिन इसमें भी अच्छा खासा पैसा आप कमा लेते हैं। द नेक्स्ट इज सेलिंग फिजिकल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। आजकल आपने ड्रॉप शिपिंग के बारे में तो सुना ही होगा, ये भी मैं कर चुकी हूँ, मुझे इसमें मजा नहीं आया था, लेकिन डिपेंड करता है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ये भी कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है। शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करके अपने प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप Amazon FBA भी यूज कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं। सो ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हैं तो इसमें भी आपके पास अनलिमिटेड अर्निंग का पोटेंशियल है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको डिग्री की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपको इसमें मीडियम ट्रेनिंग की जरूरत जरूर है कि छोटी मोटी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बहुत सी फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से हाईली एक्सपेंसिव कोर्सेज भी हैं जो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि आप खुद से सीखें, खुद से देखो कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, कैसे करनी है, या फिर आपको जो अपना स्टोर क्रिएट करना है शॉपिफाई पे कैसे करना है, प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, कौन सी वैल्यू ऐड करेगा आपके कंज्यूमर या कस्टमर की लाइफ में, उसके बिहाफ पे पूरी रिसर्च करने के बाद इस फील्ड में एंटर करना। मैंने बहुत सी रिसर्च की थी बट मैंने एंटर नहीं किया था क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आया था इस फील्ड में। 2-3 महीने मैंने सिर्फ सीखने में लगा दिए थे, बट एट दी एंड आई ड्रॉप दिस आइडिया। बट हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है देन मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आता है ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसमें लोग बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं। अगर आपको ऐसी कोई जॉब पता है जो आपको लगता है कि अच्छी है वर्क फ्रॉम होम के लिए भी और कोई भी स्टार्ट कर सकता है, देन प्लीज राइट इन कमेंट्स की बाकियों की हेल्प हो सके। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नोटिफिकेशन आइकन जरूर क्लिक कर लेना कि आपको नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आती रहे। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरी आईडी है सैंडी टॉक्स कैनेडा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड, करियर या Life in Canada, you can also book one-on-one call with me. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So that's it guys, thank you so much for watching. मिलते हैं अगली वीडियो में, till then take care, bye bye.